हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रश्मि तिवारी आ गई हूँ फिर से एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू डिफरेंशिएट बिटवीन वीडियो लेकर। सो द वीडियो नेम इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन पैरीमीटर एंड एरिया। सो हम बात करेंगे कि पैरीमीटर और एरिया होता क्या है। लेट्स सपोज क्लास 4th, 5th, and 6th के स्टूडेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम ये डाउट होता है कि वॉट इज़ पैरीमीटर एंड वॉट इज़ एरिया। सो वी विल टॉक अबाउट पैरीमीटर फर्स्ट। सो सपोज इट इज़ अ प्लेन 2D शेप और अ प्लेन शेप स्क्वायर। तो ये जो ये बाउंड्रीज आपको दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। सो नॉर्मली विल से बाउंड्रीज आर कॉल्ड पैरामीटर, राइट? सो बाउंड्रीज ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर के अलग 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 शेप्स के अलग अलग पैरामीटर्स के फॉर्मूलाज होते हैं। लाइक स्क्वायर का अलग होता है, रेक्टेंगल का अलग होता है, ट्राइंगल का अलग होता है। सो लाइक दिस। एंड नाउ जस्ट टॉक, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एरिया। सो एरिया, इस शेप्स के अंदर जो भी एरिया कवर किया है ना इस शेप ने, दिस इज कॉल्ड एरिया। सो दिस इज कॉल्ड एरिया। सो एरिया निकालने का भी, एरिया फाइंड आउट करने का भी अलग अलग फॉर्मूला होता है। रेक्टेंगल का अलग होता है, ट्राइंगल का अलग होता है, सारे एरियाज़ के फाइंड आउट करने के फॉर्मूलेज अलग होते हैं। तो फॉर्मूलेज के लिए एक नई वीडियो बनाई जाएगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।